न्यूजीलैंड दौरे पर खेली जा रही टेस्ट सीरीज में पहले मैच में बल्लेबाजों की खराब प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम हार की कगार पर खड़ी है। इस बीच तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो आप वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बता दें कि पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार के बाद दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए टीम इंडिया में रोहित शर्मा की एंट्री हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि टीम इंडिया में भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, खास तौर पर शिखर धवन, मुरली विजय और रोहित शर्मा जैसे धुरंधर बल्लेबाजों की गैर मौजूदगी में भारत की मजबूत बल्लेबाजी लड़खड़ा गई है। हाल ही में हुए न्यूजीलैंड में T20 सीरीज में रोहित शर्मा ने शानदार जीत दिलाई, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चोटिल होकर न्यूजीलैंड दौरे से वापस लौट आए थे। रोहित शर्मा के बिना भारतीय टीम को वनडे सीरीज में 3-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और टेस्ट सीरीज में भी भारत की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम हार चुकी है और अब दूसरे टेस्ट में कोई चमत्कार ही इंडिया की हार को टाल सकता है। खैर, पहले टेस्ट मैच में भले ही भारत हार चुका है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर आ रही है। और आपको बता दें कि रोहित शर्मा दोबारा फिटनेस टेस्ट में पास हो चुके हैं और BCCI के अधिकारी रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड भेजने का विचार कर रहे हैं, ताकि न्यूजीलैंड पहुंचकर भारत को शर्मनाक हार से रोहित शर्मा बचा सकें। तो दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा के सबसे बड़े फैन हैं तो उनकी धुआंधार बल्लेबाजी आपको कैसी लगती है और आप रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।